अरे बस भी करो, पूरा दिन नाच गाना नाच गाना, हल्दी की रस्म भी तो करनी है। चलो बैठो, आओ। जो शादी थोड़ी होती है। आज अगर जीजी हमारे बीच होती तो वो ये सब कर रही होती। क्या चाची, आप मेरी माँ से कम थोड़ी ना हो। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। मामा, मुझे भी हल्दी लगाओ ना। एक और आ गई, आपको इतनी जल्दी है? ये लो। शादी में ना फूल एकदम अच्छे चाहिए। एक काम करो, तुम जरा विजय को जाके मिलो और उसे बुलाओ मेरे पास। ठीक है। हाँ जी। नमस्ते। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया था। तुम्हारी पत्नी की तबीयत तो ठीक है? जी अब बिल्कुल ठीक है। अब वो तुम्हारी मरी हुई पत्नी की जैसे बात तो नहीं कर रही है? जी आप ही की कृपा है जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना आज यहाँ कोई अशुभ बात नहीं होगी। आराम से जाके खाना खाओ, बच्ची को आशीर्वाद दो और अपने घर जाओ। जी बहुत अच्छा। मुन्ना, अरे मुन्ना कब से मेरा फोन बज रहा है, इधर लेके आ। जो हुकुम मेरे मालिक। नमस्ते, सब ठीक है? अबे जल्दी करना, इधर ला। अरे इधर दे। हेलो जयवंत बेटा, नमस्ते, कैसे हो? और तुम कहाँ हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी मैं तो अभी मुंबई में ही हूँ। क्या मुंबई में हो? अरे तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तुम्हारी बहन की हल्दी शुरू होने वाली है यहाँ। जल्दी करो, तुम कुछ भी करो यहाँ आओ। क्या है कि दो एक केस ऐसे आ गए हैं कि बिल्कुल निकलना हो नहीं पा रहा है। मुझे कुछ मत कहो, अंतरा को समझाना। हाँ चाचू, पर मैं इसकी भरपाई ना आप सबके साथ अपना जन्मदिन झालवाड़ी में मना कर करूंगा, पक्का। तुम पुलिस वालों की ना मनमानी बहुत हो गई है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या भाई हीरो, क्या हो रहा है ये? चल जाकर काम पर लग, मेहमान आ रहे, लस्सी वस्सी पिला। सुनो, तुम अंतरा का ख्याल रखना, अपने सारे दोस्तों को उसके आसपास रखना, अकेली नहीं हो जाए। हाँ जाओ। भाई साहब एक बात बोल रहा हूँ, ये मुन्ना को आपने बहुत सर पर चढ़ा रखा है, ये ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अरे वो सब बाद में देखेंगे। भाई साहब हल्दी की रस्म पूरी होने वाली है, आप उस वाले कमरे से गहने निकाल कर दे दीजिए। हाँ बहू, मैं अभी लेके आता हूँ। बहू जी, विधायक जी आ गए। अरे बाप रे। बहू ये चाबी लो और ऊपर के कमरे में जाओ और उस संदूक में से वो गहने लेकर नीचे आ जाओ। भाई साहब मैं? हाँ तुम। भाई साहब इतने सालों में आपने अपने अलावा उस कमरे में किसी को जाने नहीं दिया। देखो बहू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये चाबी पे ध्यान रखना और लाकर मुझे ही देना। ठीक है भाई साहब। चल बेटा। अरे तुम लोग जल्दी करो, अब उसे तैयार करना पड़ेगा। अरे बच्चों जाओ जाओ नीचे जाओ, दीदी को हल्दी लग रही है। Thank you.
जितनी लंबी हो आजादी उतना ही सुकून देती है, गुलामी खींच जाए लंबी तो बहुत खून लेती है। अजिंक्या जी का घर किधर है? जी आगे से जाके लेफ्ट से जब जाएंगे वहां पे है। आप बीमार हैं? हाँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आ जाइए। आइए ये है उनका घर, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। क्या चाहिए? अजिंक्य, आप अजिंक्य हो ना? हाँ मैं ही अजिंक्य हूं, लेकिन तुम कौन हो और तुमने अपना ये चेहरा क्यों ढक रखा है? रतन चाचा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, उन्होंने कहा कि तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। रतन, तुम झालवाड़ी के धनराज के घर से आई हो? प्लीज मुझे बचा लो अजिंक्य, प्लीज मुझे बचा लो।
देखो देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है जिंक्या। प्लीज मुझे बचा लो जिंक्या, प्लीज मुझे बचाओ मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अजिंक्या प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। अजिंक्या प्लीज मुझे बचा लो, ये क्या हो रहा है? अजिंक्या, अजिंक्या बचा लो, ये क्या हो रहा है? आ गया, इसका मतलब है वो वापस आ गया। लेकिन ये हुआ कैसे? अगर ये मर चुकी है तो इसका मतलब धनराज भी मर चुका है, इसका मतलब बाकी लोग भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लाइट को क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे। अरे मियाँ देखो, हाथ भी मिला लिए, गले भी मिल गए, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई, अब जल्दी केक काटो यार। वो केक की क्या जरूरत थी? पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तुम्हारा, क्यों इतने शॉक्ड हो गए? हाँ नहीं, वैसे जवान क्या बात, एनी प्रॉब्लम, परेशान लग रहे हो? सर आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट ऑल ऑफ यू, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। I'm so sorry, but मैं जाना होगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनवीर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने कजन के बारे में बताया था? हाँ, वो जो झालवाड़ी में रहती हैं, जिनकी शादी होने वाली थी, राइट? वहाँ पे कोई शादी हुई नहीं। What? मैं अपना बर्थडे अपनी कजन और उसकी फैमिली के साथ मनाना चाहता था, पर पिछले 15 दिन से वहाँ पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा है। क्यों? सर यही तो मैं पता लगाना चाहता हूँ, क्यों 15 दिन से उन सबको फोन लगा रहा हूँ सर, किसी का फोन नहीं लग रहा है। यार 15 दिन हो गए फोन नहीं लग रहा, तो कोई आसपास में किसी के यहाँ तो फोन होगा, वहाँ पता कर लिया था, पर वो आदमी इतना डरा हुआ है कि कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे वहाँ पर खुद जाके सब कुछ पता लगाना होगा सर। जिस फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, उनके लिए मेरा इतना फर्ज तो बनता है ना सर। जयवंत परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई बात है तो हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। सर थैंक्स गाइस, बट मैं वहां पर खुद जाके एक बार देखना चाहता हूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। चाचा जी, उर्मी चाची सब लोग, चाचा जी कहाँ हैं सब लोग?
अरे उर्मी चाची, चाचू मानिक, कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? जय, मैं तेरा रतन चाचा। रतन चाचा? आपकी आवाज को क्या हो गया? और आप इस अंधेरे कमरे के कोने में क्यों बैठे हुए हैं? और ये गांव वाले मुन्ना के बारे में क्या बोल रहे हैं? और बाकी के घर वाले सब लोग कहाँ हैं? आप बाहर आइए ना। आखिर सच पता चल ही गया तुझे? रतन चाचा बताइए कौन सा सच? नहीं, मेरे पास मत आना, वहीं खड़े रहो। रुक जाओ, वहीं रुके रहो, इसके आगे मत आना। चाहे मुन्ना याद है ना, वो एक जिन है। जिन? और उस जिन ने मुझे बीमार कर दिया है। मुन्ना जिन? अपना मुन्ना? रतन चाचा ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ? हमने ये बात चाहे किसी को नहीं बताई, मगर वो अब सबको मारेगा। ढूंढ ढूंढ कर सबको मार देगा। जय, भाई साहब ने ये बात अपने आखिरी वक्त में कही, आज से 5 साल पहले की ये बात। धनराज। हाँ? मुझे आभास हो रहा है कि वो जिन आसपास ही कहीं है। आज उसे नहीं छोड़ेंगे। लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, पर है किधर? आप लोग किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कौन हो तुम? मैं मुन्ना। किसको ढूंढ रहे हो मुझे बताओ, मैं ले चलता हूं। अच्छा, तुम ले चलोगे? तुम मिलवाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं? मुझे माफ कर दो, आप आज से मेरे मालिक, मैं आपका गुलाम। हाँ मुन्ना, आज से तू मेरा गुलाम। इतने सालों तक आप लोगों ने एक जिन को इस घर के अंदर कैद कर रखा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन धनराज चाचा ने ऐसा किया क्यों? जय, और कोई चारा नहीं था। जिन या तो गुलाम बनकर रहता है या गुलाम बनाकर, और उस हालत में हमने उसको गुलाम बनाना ज्यादा ठीक समझा। भाई साहब भी चले गए, उर्मी भी चली गई। उर्मी चाची? और उसने मेरी ये हालत कर दी। फिर मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुम भी यहाँ खुद चलकर आ गए। मानिक, अंतरा, रे, वो भी जिंदा होंगे कि नहीं मालूम नहीं।
सब कुछ खत्म हो गया जे, अब कुछ नहीं हो सकता। जाए ये देख, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे मार दे जाए, मार दे मुझे, वरना मैं तुझको मार दूंगा। जाए मार, आपको नहीं मार सकता। कहता हूँ मार, अब मार, मार। चाचू क्या करें? चाचू, चाचू छोड़िए, छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। जल्दी कर, खोके। मार, हाँ, मैं कहता हूँ मार, मार, मार। को बचा, वो ऊपर है, जाल सुना नहीं, भाग, जय भाग।